पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2, अब मैं 3 बता रही हूँ, तो सारे बच्चे देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 एक्सरसाइज 2.1। तो 1 और 2 मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रही हूँ ताकि सारे बच्चे इससे पढ़ सके और लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और बने रहेंगे तो ये सारा पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े में अंतर है, सभी क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए फिर 5 और 7 का हम लोग डेसिमल लेंगे। 5 और 7 का डेसिमल क्या होता है, दोनों अल्टर नंबर है तो इसको इंटू कर देंगे। 35 5 7 35, 5 × 7, 5 × 7 हो गया, 7 टाइम्स में जाएगा 35 हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 × 7 = 35 और 7 × 3 = 7 टाइम्स जाएगा, 5 × 7 = 35 और 7 × 3 = 21, 7 आया और डिवाइड किए तो और इंटू इससे कर दिए तो कितना आया, 21। फिर इससे डिवाइड करेंगे 7 से 35 में तो कितना बार में जाएगा, कितना टाइम्स होगा इसे, 7 × 5 = 35, 5 और इससे 5 आएगा और ये 2 से इंटू करेंगे तो 5 × 2 = 10 आ गया। अब इसको हम लोग फिर जोड़ देंगे, 21 और 10 = 31/35। ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, फ्रैक्शन में आंसर भी आएगा। तो ये तो अगर हम लोग इसको मिक्स नंबर में भी तोड़ सकते थे, इसको डिवाइड करके और छोटा कर सकते थे मिक्स नंबर में, लेकिन ये देखिए ऊपर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर ये बड़ा है, इसलिए डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, आंसर इसी तरह से रहने देते हैं। अब एक और क्वेश्चन है चौथा नंबर में, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं। 9/11 − 4/15, ठीक। अब 11 और 15 का हम लोग फिर डेसिमल निकाल, ये एलसीएम निकालेंगे तो फिर डिवाइड नहीं होगा, दोनों अल्टर नंबर है। चलिए इसको इंटू करेंगे, 15 × 11 करेंगे तो कितना आएगा, 15 को 2 बार में करेंगे, यहाँ लिखेंगे 15 5 6, 165 आया, ठीक। यहाँ पे हम लोग 165 लिख दिए एलसीएम। अब फिर यहाँ डिवाइड करेंगे 11 से 165 में कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 15 बार में जाएगा आपका, 15 आया और 15 को फिर 9 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45 के 5, बाकी 4, 9 × 1 = 9 और 4 = 13, 135 आ गया। माइनस फिर 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, देखिएगा 11 बार में जाएगा, 11 बार में आया, 11 आया इसमें और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 4 = 44, माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1 13 में से 4 गया 9, 91/165 ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आपने क्लास 7 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 का 2.1 का क्वेश्चन देखा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का क्वेश्चन बताऊंगी, इसलिए स्टूडेंट्स बने रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखिए इसको, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।